ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक क्या है? कीटोन। चलिए नोट करिए, सीओ समूह वाले यौगिक को कीटोन कहलाते हैं। इनका सामान सूत्र CnH2n+2O होता है। सूत्र CnH2n+2 होता है। CnH2n+O होता है, ओ लिखेगा। अच्छा, CnH2n+O होता है। इनका IUPAC नामकरण करते समय एल्केन के अनुलग्न ई को हटाकर ONE जोड़ देते हैं। जिसके फलस्वरूप एल्केनोन प्राप्त होता है। हो गया बच्चों? लिख लिए आप लोग? देखिए एक बार फिर से सुनिए, आपको याद हो जाएगा। सीओ समूह वाले यौगिक को कीटोन कहलाते हैं। इनका सामान सूत्र CnH2n+O होता है। इनका नामकरण करते समय एल्केन के अनुलग्न ई को हटाकर ONE जोड़ देते हैं, जिसके फलस्वरूप एल्केनोन प्राप्त होता है। कन्फर्म हो गया आपको? अब देखो भाई, अगर अंग्रेजी में सुनना चाहते हो, आप BSc कर रहे हैं या इंटर कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत लाभदायक क्लास है ये। BSc में अंग्रेजी में लिखना होता ना, तो उसमें लिख सकते हैं आप CO ग्रुप कंपाउंड इज कॉमनली कॉल्ड कीटोन, इट्स जनरल फार्मूला CnH2n+O, इट्स IUPAC नेमिंग एल्केन सफिक्स ई इज रिप्लेस्ड बाय ON, देन फॉर्मेट एल्केनोन। ओके, कोई डाउट किसी को? चलो बच्चों आगे देखो, अब इसका हम एग्जांपल बताते हैं जो आपकी एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना? तो पहला एग्जांपल तो यही आपका है, और दूसरा देखें आप लोग, नोट कर लें, फिर इकट्ठा बताते हैं आपको।
चलिए नोट कर लिया आप लोग, नोट करो भाई, इतने में आपके एग्जाम में आ जाएगा। हाँ 100%। चलो भाई नोट हो गया, आप लोग वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक, ठीक ना। मदद करना चाहिए एक दूसरे की, जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, गरीब हैं, जिनके पास पैसे वैसे नहीं हैं, वो भी पढ़ सकते हैं इससे। इसीलिए तो व्यवस्था की है यार कि लोगों का कल्याण हो जाए, है ना। जो दूर दराज हैं, जो लड़कियां हैं, जो बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ने का मौका पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, या कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, या दिक्कतें हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो होगा, और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए सबका हो गया, हम समझाते हैं आपको। देखिए बच्चों, पहला देखते हैं ना, देखें यहाँ, देखें आप जैसे ये लिखा हुआ ना, तो काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3। अब ज़रा सा फार्मूला चेक करना सीखो और ख़ुद बनाना सीखो। आपको पता ना कि कार्बन के 20 लाख यौगिक हैं और आप खुद बना सकते हैं, तो इसके लिए एक बुक की ज़रूरत नहीं है। आप केवल फार्मूले पर रखिए, आ जाएगा टॉपिक, ठीक है ना। तो ज़रा से देखो यहाँ कार्बन कितना मिला, 1 2 3, यान का मान आप 3 रख देंगे। यहाँ 2 है ना, तो 2 × 3 हो गया, प्लस वो कर दें। अगर कार्बन कितना हुआ, 1 2 3, तो हाइड्रोजन 2 3 6, 3 3 6, और ऑक्सीजन कितना मिला आपको, ओ, यानी एक मिल गया, है ना। इसका मतलब जो लिखा गया हो करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है। नियम एक क्या कहता है कि सबसे पहले दिए गए कार्बन परमाणुओं की एक लंबी श्रृंखला चुनते हैं, चाहे वह टेढ़ी मेढ़ी क्यों ना हो। तो लंबी श्रृंखला चुन लिया आपने, इसका 1 2 3, 3 लिए क्या आता है, प्रोपेन आता है ना, तो प्रोपेन में ई हटाओ, क्या जोड़ोगे, ओ एन ई, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, है ना। किस नंबर पे, 2 नंबर पे हो गया आपका। इसको देखो पहले समझ लें, बाद में नोट कर लेंगे आप लोग। यहाँ देखो बच्चों, 1 2 3 4, कितने कार्बन, 4, 4 के लिए क्या आता भैया, ब्यूट आता ना, तो ब्यूटेन होगा, ई हटाइए, क्या जोड़ेंगे, ओ एन ई ना, तो ब्यूटेन ऑन 2 हो गया भाई, क्या हो गया, ब्यूटेन ऑन 2, आप लोग समझ गए ना। फिर ज़रा देखो इसको, देखो काउंटिंग इधर से करिए, जिधर हमारा मेथिल है फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि देखो कीटोन में क्या है, कार्बन है, कीटोन में क्या है, कार्बन है, इसलिए यहाँ से गिनेंगे। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5, क्या ये गिनती सही है, नहीं सही है, क्योंकि लॉन्ग चेन नहीं बन पा रही है। तो इसको आप ब्रेक कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH2, इन केस में क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दें आप, ये साइड चेन में आ जाएगा, क्योंकि नियम कहता है कि इफ़ ऑब्टेंड ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड द फर्स्टली सिलेक्टेड लॉन्ग चेन इफ़ ए चेनिक जिगजैग, यानी सबसे पहले दिए गए कार्बन परमाणुओं की एक लंबी श्रृंखला चुनते, चाहे वह टेढ़ी मढ़ी क्यों ना हो। इतना याद करो यार, इतना हो गया ना, तो साइड चेन कितना मिला आपको, 2 मिला है, एक आपका ब्रोमीन है, दूसरा क्या है, मेथिल है। तो यहाँ दिखाओगे ना, तो हो जाएगा 3 ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमीन किस नंबर पे है भाई, 3 नंबर पे, तो 3 ब्रोमो और 4 मेथिल, क्योंकि मेथिल कहाँ है, 4 नंबर पे, तो 4 मेथिल हो गया बच्चों। और कार्बन कितना आपका, 6 है ना, तो 6 के लिए क्या आता है, हेक्सेनोन आएगा ना, हेक्सेन आएगा, ई हटा क्या जोड़ेंगे आप, ओ यानी, तो हेक्सेनोन किस नंबर पे, 2 नंबर पे, इतना कर ले जाओगे। अब देखो जरा सा इस नंबर को, देखो 4 नंबर को काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6, इतना समझ में आया ना। अब लॉन्ग चेन कितने कार्बन की हो गई, 6 कार्बन की। अब साइड चेन कौन कौन है, साइड चेन 3 है, एक क्लोरीन है, एक सल्फर डाइऑक्साइड है, और एक आपका साइक्लोप्रोपिल है। तो मेरे बच्चों जब दिखाओगे ना, तो यहाँ लिखेंगे आप 3 क्लोरो, और फिर आपका कितना हुआ भाई, 3 क्लोरो हो गया बच्चों, फिर हो गया 5 साइक्लोप्रोपिल,
साइक्लोप्रोपिल हो गया और फोर सल्फो हो गया, फोर सल्फो और कितने कार्बन भैया, छः हैं। छः के लिए क्या आता है, हेक्सेन आएगा ना, ये हटाए क्या जोड़ेंगे, हेक्सेनोन टू। ध्यान से देखें, एक दो तीन चार पाँच छः कार्बन कितने हैं, छः हैं। साइड चेन क्लोरीन है, सल्फेट है और साइक्लोप्रोपिल है, तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा, सी आएगा, क्योंकि नियम है ना कि इफ़ एनी लॉन्ग चेन या मेन चेन प्रेजेंट ऑफ वन देन मोर साइड चेन यूज बाय द अल्फाबेटिकली रूल्स, यानी कि हिंदी में सुनो, जब किसी लंबी श्रृंखला में एक से ज़्यादा पार्श श्रृंखला उपस्थित होती है तो उसका नाम अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ क्लोरीन है और आपका साइक्लोप्रोपिल है और सल्फेट है, तो थ्री क्लोरो हो गया, फाइव आपका साइक्लोप्रोपिल हो गया, फोर आपका सल्फो हो गया और यहाँ कितना अच्छा है ना, तो हेक्सेनोन हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको, कोई डाउट तो नहीं भैया? अब आप चलिएगा पाँच नंबर पे, सारे बच्चे पाँच नंबर को देखें, जहाँ जहाँ पे आपका मूड़ा है ना वहाँ क्या रखें, कार्बन रखें, यहाँ कार्बन 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 कार्बन, हर जगह आप क्या रखेंगे, कार्बन, जहाँ पे मूड़ा मिल जाए ना कार्बन, एग्जाम में ऐसा आता है। अच्छा भैया, तो यहाँ पे आप CH2 कर दें दोस्त, यहाँ पे CH2, यहाँ C ही रहेगा क्योंकि चार बैलेंसी पूरी हो रही है, और यहाँ पे आप CH2 कर दें और यहाँ पे आप CH3 कर लें, यहाँ पे बच्चों CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ CH2 और यहाँ CH3 हो गया। अब आप लॉन्ग चेन चुनिए भाई, तो यहाँ क्या हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात हो गया ना, अगर आप इधर चलते ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात, लेकिन साइड चेन यहाँ है ना, इसलिए हम उधर ही जाएंगे दोस्त जहाँ साइड चेन है। इधर चलते तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, समझ में आया ना, कार्बन की काउंटिंग तो बराबर, लेकिन साइड चेन की वजह से हम लोग इधर जा रहे हैं। अब ऐसे केस में करते हैं, साइड चेन एक ये हो गया, इसको जोड़ लो यार, जब मेन चेन बन जाए ना तो जो बचता हो क्या होता है, साइड चेन, तो यहाँ एक एक दो कार्बन और तीन दो पाँच कार्बन, यहाँ एक एक दो कार्बन और तीन दो पाँच कार्बन, तो आंसर नंबर फाइव यहाँ लिख दें क्या यार, तो यहाँ जब लिखोगे ना तो हो जाएगा सेवन ब्रोमो, सेवन ब्रोमो, ठीक भैया, और फिर क्या है, फाइव फाइव, आप लिखें फाइव फाइव डाई एथिल, डाई एथिल हो गया आपका, और कितने कार्बन है आपके, सात हैं, सात के लिए क्या आता बच्चों, हेप्टेनोन आ जाएगा, हेप्टेनोन, और किस नंबर पे, दो नंबर पे, हेप्टेनोन टू कर दें। इतना समझ में आया, कोई डाउट नहीं? अब चलिए आप छः नंबर पे चलिए, जब छः पे चलोगे यार तो वन टू थ्री, यहाँ CH2 कर लें, फोर और फाइव, एकदम इजी है ये, इसका आंसर लिख सकते हैं थ्री ब्रोमो, ऐसे छोटा सा लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, थ्री ब्रोमो, थ्री ब्रोमो हो गया बच्चों, और एक दो तीन चार पाँच, पाँच के लिए क्या आता भाई, पेंटेनोन, पेंटेनोन टू दिखा दो, हो गया। अब आप सात नंबर पे चलिए, जहाँ जहाँ मुड़ा है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, कार्बन रखेंगे, तो आप लोग कार्बन रखिए, ये बच्चों कार्बन में रख दिया। अब आप क्या करेंगे, इसके कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन से संतृप्त करेंगे, बैलेंस करोगे यार, तो यहाँ देखो, यहाँ एक साइड जुड़ा ना तो वैलेंसी चार होती है, तीन खाली है, तो यहाँ CH3 कर दें आप, यहाँ पे देखो एक दो तीन है ना, एक यज जोड़ दो, यहाँ एक दो तीन है, एक यज जोड़ो, यहाँ एक एक दो है, यहाँ दो जोड़ दो, यहाँ पे एक है ना भैया, यहाँ तीन जुड़ेगा, यहाँ पे दो जुड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं जुड़ेगा क्योंकि सारी बैलेंसी क्या है, बैलेंस हैं, एक दो तीन चार, कुछ नहीं जुड़ेगा, यहाँ पे आपका CH3 हो गया, यहाँ पे CH2 हो गया, यहाँ पे CH2 हो गया। आपको समझ में आई बात, सारे बच्चे समझ लिए, क्यों भाई आप लोग समझ गए ना, अब काउंटिंग करो यार, यहाँ क्या हो गया CH3 ना भाई, क्या CH3, तो हो गया वन
टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। इतना समझ में आया? किसी को दिक्कत हो बताइए। अभी समझ रहे हो आप? अभी क्या करो यार कि जब मेन चेन चुन लिया ना तो साइड चेन कितनी बची इसको देखो। एक साइड चेन ये है, एक साइड चेन ये है, एक साइड चेन ये है आपका, और एक साइड चेन यहाँ पे CH3 लगा है। अब ज़रा देखिएगा कि जब ये बन जाए ना तो ये देखो एथिल है ना भाई। एक एक क्या हो गया? दो, और तीन दो क्या हो गया आपका? पाँच हो गया। तो आप लिख सकते हैं क्या? 4-ethyl। नाम लिखिएगा 4-ethyl। 4-ethyl हो गया दोस्त। और मेथिल क्या बचा? एक मेथिल, दो मेथिल, तीन। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिखें 3-6-6 ट्राई मेथिल। और कार्बन कितना आपका? 7 है। 7 के लिए क्या आता है? हेप्टेन आएगा। क्यों आ लोग? और ये हटाओ क्या जोड़ोगे? ओ यानी, तो हो जाएगा हेप्टेनोन। क्यों भी जी? ठीक है, हेप्टेनोन। क्या कौन सा नंबर? अरे यार दो नंबर पे लगा, हेप्टेनोन 2। किस तरह पूरा टॉपिक क्लियर हो गया? किसी को डाउट नहीं ना? तो ठीक है बच्चों, आज की डेट में इतना ही पढ़ते हैं। अगला आपका जो टॉपिक होगा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड।